ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के एन राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य आचार्य रमन जी। तो मित्रों आइए लेते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि रहेगा डिले एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन मैरिज, यानी विवाह में देरी एवं रुकावट के कारण। मित्रों कई बार देखने में ये आता है कि कई लोगों के युवक एवं युवतियों के विवाह में काफ़ी अड़चने आती हैं और कई बार तो यूँ होता है कि विवाह होते होते बात बिगड़ जाती है अंत में, या फिर विवाह नहीं हो पाता किसी एक कारण की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से। मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सातवां भाव विवाह से संबंध रखता है। अगर इस भाव में अशुभ ग्रह पाप ग्रह बैठ जाए तो विवाह में देरी और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों आइए डिटेल में जानते हैं कि आखिर वे कौन से ग्रह हैं जो विवाह में देरी करते हैं और विवाह में ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। तो मित्रों शुरू करते हैं आज का ये पहला इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वीडियो की श्रृंखला में। तो मित्रों शुरू कर रहे हैं पहला टॉपिक, विवाह में देरी के कारण एवं विवाह में रुकावटें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगन चार्ट या मेन बर्थ चार्ट, पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन या असेंडेंट लिखा है। मित्रों जो ये नंबर लिखे हैं ये राशि है, किंतु पहला भाव वही रहेगा यहां जहां पे लगन या असेंडेंट लिखा होगा। ये पहला घर, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। तो पहला भाव वही जहां पे लगन लिखा है। ये नंबर जो है ये राशियां हैं जिसमें चार नंबर का मतलब है कर्क, पांच का मतलब सिंह, छह का मतलब कन्या, सात का मतलब तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, ग्यारह का मतलब कुंभ, बारह मीन, फिर मेष, दो का मतलब वृषभ और तीन का मिथुन, किंतु पहला भाव वही जहां पे लगन लिखा हुआ है। अब राशि और उनके स्वामी के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। पहली और आठवीं राशि के स्वामी रहेंगे मंगल यानी मेष, और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। दूसरी और सातवीं राशि के स्वामी यानी वृषभ के और तुला के स्वामी शुक्र। तीसरी और छठी राशि के मालिक यानी मिथुन के और कन्या के मालिक है बुध। चार नंबर कर्क के मालिक चंद्र, पांच नंबर सिंह के मालिक सूर्य, नौ नंबर और बारह नंबर यानी धनु एवं मीन के मालिक है जुपिटर या गुरु, और दसवें और ग्यारह नंबर मकर और कुंभ के स्वामी हैं शनि। अब विवाह में देरी के कारण में हम देखेंगे मुख्य ग्रह और मुख्य भाव कौन से रहेंगे। मुख्य ग्रह रहेगा शुक्र जो कि कारक है शादी का और विवाह का, और मुख्य भाव रहेंगे सप्तम भाव सप्तमेश एवं नमेश। और शुक्र का उच्च स्थान यानी स्ट्रॉन्ग स्थान है शुक्र का मीन, और नीच राशि है शुक्र की कन्या जहां पे वो निर्बल होता है, और शुक्र के अपने भाव रहेंगे वृषभ और तुला। तो आइए जानते हैं कुंडली में विवाह में देरी एवं रुकावटों में वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। मित्रों अगर सप्तम भाव में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अगर सप्तम भाव में अशुभ क्रूर और पाप ग्रह आकर के बैठ जाएं तो विवाह में देरी हो सकती है। और अशुभ और क्रूर ग्रह हुए जैसे राहु, मंगल, शनि, सूर्य, अगर ये सप्तम भाव में बैठ जाएं तो विवाह में देरी या रुकावटें आ सकती हैं। कमजोर शुक्र के कारण भी देरी एवं रुकावटें आती हैं। अगर शुक्र कमजोर हो यानी अगर अपनी नीच राशि में हो या छठे, आठवें, बारहवें स्थान में हो या फिर अफ्लिक्टेड हो क्रूर और पाप ग्रहों से, तो भी विवाह में देरी हो सकती है। मांगलिक होना भी विवाह में देरी का कारण है। मांगलिक व्यक्ति वो होता है अगर मंगल कहीं पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव या बारहवें भाव में मंगल हो तो वो व्यक्ति मंगलिक होता है या उसे मंगलिक दोष लगता है। एक बार दोबारा बोलूंगा, मंगल अगर पहले स्थान में हो, दूसरे में हो,
चौथे स्थान में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो या फिर द्वादश या बारहवें स्थान में हो तो वह व्यक्ति मंगलिक होता है और मंगलिक होने में भी विवाह में देरी हो सकती है। जब सूर्य, मंगल या बुध लगन या लगन के स्वामी पर दृष्टि डालें और गुरु बारहवें भाव में हो तो भी विवाह में देरी होती है। जब शुक्र और मंगल और साथ में शुक्र, मंगल या बुध लगन पर या लगन के स्वामी, जैसे इस केस में लगन का स्वामी चांद नंबर राशि के स्वामी हुए चंद्र, तो सूर्य, मंगल या बुध अगर चंद्र पर या लगन पर दृष्टि डालें और साथ ही साथ गुरु अगर बारहवें द्वादश भाव में हो तो विवाह में देरी होने का कारण बनता है। लगन सप्तम और बारहवें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक ना हो और चंद्र कमजोर हो तो भी विवाह में बाधा आती है। यानी लगन में और सप्तम भाव में अगर अच्छे ग्रह यानी शुभ ग्रह ना बैठे हो, लगन में, सप्तम में और बारहवें भाव में अगर शुभ ग्रह ना बैठे हो या योग कारक ग्रह ना बैठे हो और साथ ही साथ चंद्र भी कमजोर हो यानी अपनी नीच राशि में हो या फिर हाईली अफ्लिक्टेड हो तो भी विवाह में बाधा आती है। अगर सप्तम भाव में शनि और गुरु हो, यानी सप्तम भाव में अगर शनि एवं गुरु हो तो भी विवाह में बाधा का योग बनता है। सप्तम में त्रिक भाव का स्वामी हो और कोई शुभ ग्रह ना हो तो विवाह में देरी होती है। अगर सप्तम भाव में त्रिक भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे नहीं हो तो भी विवाह में देरी होती है। अगर सप्तम भाव में शुक्र बुध हो तो विवाह की बातें तो खूब चलती हैं परंतु विवाह में देरी होती है। यानी अगर शुक्र और बुध सप्तम भाव में आकर बैठ जाएं तो विवाह की बातें तो बहुत चलती रहती हैं पर विवाह में देरी रहती है। चौथे भाव में या लगन में मंगल सप्तम में शनि हो तो विवाह में रुकावटें आती हैं। चौथा भाव यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर चौथे भाव में मंगल स्थित हो और सप्तम में शनि हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, चौथे में अगर मंगल और सप्तम भाव में अगर शनि हो तो विवाह में रुकावटें आती हैं। सप्तमेश या सप्तम भाव शनि से पीड़ित हो तो भी विवाह में देरी होती है। यहां तो सप्तम भाव के स्वामी ही शनि है, लेकिन अगर सप्तम भाव या सप्तमेश इस भाव का स्वामी अगर शनि से संबंध रखता हो या यूं कहें शनि से पीड़ित हो तो भी जातक के विवाह में देरी हो सकती है। शुक्र मंगल युति अगर लगन या सप्तम में हो तब भी विवाह में परेशानी आती है। शुक्र और मंगल यानी अगर साथ में लगन में बैठे हो या फिर शुक्र और मंगल साथ में सप्तम भाव में बैठे हो तो भी विवाह में परेशानी होती है। केतु सप्तमेश के साथ अपना सप्तम एवं उप स्वामी या उसके नक्षत्र स्वामी के साथ है तो भी विवाह में परेशानी रहती है। केतु अगर सप्तमेश के साथ है, यहाँ सप्तमेश शनि है तो केतु अगर सप्तमेश के साथ रहेगा तो भी विवाह में परेशानी रहती है। विवाह में विलंब का एक और बड़ा कारण है शनि एवं चंद्र का साथ होना, यानी शनि एवं चंद्र का दोष लगना जिसे हम पुनर्फू दोष भी कहते हैं। शनि और चंद्र कहीं भी साथ बैठ जाए कुंडली में, खासकर पहले सातवें, चौथे, पांचवें में, तब जो है ये दोष ज्यादा लगता है और विवाह में देरी होती है। चंद्र की राशि कर्क से गुरु सप्तम में हो तो भी विवाह में बाधा आती है। तो मित्रों, हमने देखा कि कुंडली में विवाह में देरी एवं रुकावट आने के वो कौन से कारण है या वो कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जिससे हम ये जानते हैं कि कुंडली में विवाह में देरी या रुकावटें आती हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कुछ परामर्श की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9911351351 पर, या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं www.astrologerraman.com पर। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 12
2001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911351351, 08130201201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrology.com।